Dear students, welcome all you in online classes of Research Academy Management. Students, in previous class we discussed factorization of polynomials, sum, formulas, and some examples. Today we solve your first exercise, exercise 3. Exercise 3. RS Group. Question number 10. Factorize x cube plus 2x square plus 5x plus 10. X cube plus 2x square plus 5x plus 10. 2x square plus 5x plus 10. तो यहाँ पर ग्रुपिंग कर लिया जाए, दो टर्म का ग्रुप. फर्स्ट वाले ग्रुप से क्या काम होगा, यहाँ पर x स्क्वायर x प्लस 2. सेकेंड ग्रुप से काम 5 इन ब्रैकेट x प्लस. यहाँ पर देख रहे हैं से x प्लस 2 काम कर लेंगे, x प्लस 2 इंटू इन ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी. ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी प्लस 5ab माइनस 5b प्लस 5ab माइनस 5b. इसका फैक्टर करना है तो यहाँ पर भी ग्रुपिंग कर लिया है. ग्रुप कर फर्स्ट ग्रुप से क्या काम होगा, ए स्क्वायर बी इन ब्रैकेट ए माइनस 1. ऐसे सेकंड से क्या काम होगा, 5b इन ब्रैकेट ए माइनस 1. कैपिटल टर्म से ना मतलब फैक्टर में कहीं कहीं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर बी प्लस 5b. ए माइनस 1 अभी भी इससे कुछ काम होगा, यहाँ पर काउंट क्या होगा, b इंटू ए स्क्वायर प्लस 5. b इंटू ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. फैक्टराइज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई. x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई टू पावर. इसका फैक्टर करना है तो यहाँ पर भी देख रहे हैं टोटल 4 टर्म है, 2 टर्म का ग्रुपिंग कर दिया जाए. फर्स्ट वाले ग्रुप से क्या काम होगा, x क्यूब एंड x स्क्वायर, यस ये x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर काम कर दिया जाए. यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 2y. ऐसे सेकेंड वाले ग्रुप से काम प्लस 3y स्क्वायर. वाइस पर कॉमन लेंगे मिलेगा क्या, एक्स माइनस 2y. एक्स माइनस 2y डिफरेंट टर्म से ना इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस ax. x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस ax प्लस x माइनस a माइनस 1 प्लस x माइनस a माइनस 1. यहाँ पर टोटल कितने टर्म है, 6 टर्म है, तो दो टर्म का पेयर कर लिया जाए.
सकता है x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस वन। फर्स्ट ग्रुप से कॉमन, यहां पर कॉमन होगा एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन, यहां से कॉमन ए इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन, और इसमें कॉमन ओनली वन इंटू एक्स माइनस वन। ब्रैकेट सेम है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेना, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। अब इसमें ग्रुप कर लिए, दोनों का पेयर बना लिया। फर्स्ट वाले ग्रुप से काम ए इंटू ए प्लस बी, ऐसे सेकंड वाले ग्रुप से काम क्या होगा माइनस सी इंटू ए प्लस बी। ब्रैकेट सेम है, आप ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री बाई एक्स प्लस थ्री बाई एक्स। तो यहां पर भी देख सकते हैं यह फॉर्मूला है ए माइनस वन बाई ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ए इंटू वन बाई ए, कैंसिल हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू, ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर माइनस टू। तो ऐसे इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस वन बाई एक्स होल स्क्वायर, और इससे कॉमन क्या होगा माइनस थ्री, थ्री कॉमन कर लेंगे तो एक्स माइनस वन बाई एक्स। अब टोटल से कॉमन क्या होगा ए स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ए का फॉर्मूला, टोटल से कॉमन एक्स माइनस वन बाई एक्स इन ब्रैकेट एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन बाई होल स्क्वायर, और यहां पर क्या है एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स कॉमन कर लिया गया, इसमें क्या होगा एक्स माइनस वन बाई एक्स या कॉमन किया तो यहाँ पर माइनस थ्री होगा, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री यहाँ पर सिंपलेस्ट काम हो जाएगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज के ऐसे सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।